मानसी आरआरसी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जलयुक्त शिवार के कामों का मुआयना किया जल संधारण मंत्री ने। दस हजार बल्क लीटर स्पिरिट से भरा टैंकर जब्त, दो गिरफ्तार। कीटनाशक के छिड़काव से विष बाधा, मुंडगांव के किसान की मौत। नोटबंदी को एक साल पूरा, कांग्रेस ने मनाया काला दिन। और पीआई व एपीआई के हुए तबादले। अमरावती विभाग में हुए जलयुक्त शिवार के कामों का मुआयना जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में राज्य के मृद व जल संधारण मंत्री ने मान्यवरों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। राज्य में बार बार निर्माण होने वाली पानी की कमी को हल करने के लिए शासन ने राज्य में चलाए गए जलयुक्त शिवार योजना के कारण जल संकट तो दूर हुआ ही है, साथ ही खेती के लिए पानी की सुविधा हो गई है, जिसके कारण किसान स्वयंपूर्ण हो गया है। इस प्रकार का प्रतिपादन राज्य के मृद व जल संधारण मंत्री राम शिंदे ने किया। जलयुक्त शिवार अभियान के अंतर्गत अमरावती विभागीय जायजा बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह में वे प्रमुख अतिथि के रूप में बोल रहे थे। बुधवार 9 नवंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर जिले के पालक मंत्री डॉ रंजीत पाटिल, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, पांचों जिले के पालक मंत्री, विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, राजशिष्टाचार विभाग के सचिव एकनाथ डवले, जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे, जिला परिषद के सीओ एस रामामूर्ति सहित संबंधित विभागों के अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। जिला प्रशासन द्वारा सभी उपस्थित मान्यवरों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जल संधारण मंत्री व पालक मंत्री के हाथों प्रतीकात्मक वसुंधरा का पूजन किया गया। जलयुक्त शिवार अभियान के अंतर्गत सन 2015-2016, 2016-2017 इन दो वर्षों में अमरावती संभाग के अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा व यवतमाल इन पांच जिलों के जलयुक्त शिवार योजना के कामों का आढ़ावा लिया गया। उसी प्रकार 2017-2018 के कामों के नियोजन के प्रकल्प की रिपोर्ट भी ली गई। जलयुक्त शिवार योजना को सफल बनाने वाली सहकारी संस्था, जनप्रतिनिधि व गांवकरियों का सत्कार भी किया गया। जलयुक्त शिवार अभियान के अंतर्गत पिछले दो साल में पूरे किए गए कामों के द्वारा जमा 34,537 10 लाख घन मीटर जल संग्रह का उपयोग जिले की 49,133 हेक्टेयर जमीन के लिए किए जाने की जानकारी भी इस अवसर पर पालक मंत्री डॉ रंजीत पाटिल ने दी। मुंबई राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व अकोला द्वारा मुर्तिजापुर के पास स्थित एक ढाबे पर 10,000 बल्क लीटर स्पिरिट से भरे टैंकर को पकड़ा। इस कार्रवाई में टैंकर के चालक व क्लीनर को गिरफ्तार किया गया। स्पिरिट यह शराब बनाने के काम में आता है। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के मुंबई स्थित उड़न दस्ता व अकोला राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के दस्ते ने मंगलवार की देर रात मुर्तिजापुर के पास एक ढाबे से पकड़े गए टैंकर में जांच के बाद 10,000 बल्क लीटर स्पिरिट पाया गया। इस कार्रवाई में 15 लाख रुपए मूल्य का स्पिरिट जब्त किया व टैंकर के चालक पिन्नर पेरुमल तेलवम व सत्तार अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया गया। टैंकर में दो अलग अलग कप्पे बनाए गए थे, जिसमें कुछ कप्पों में 50 लीटर खाने का तेल जबकि अन्य कप्पों में 10,000 बल्क लीटर स्पिरिट भरा हुआ था। यह स्पिरिट शराब बनाने के लिए किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस स्पिरिट से 65 लाख रूपयों तक की शराब बनाई जा सकती है। यह कार्रवाई राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में व राज्य उपसंचालक सुनील चौहान के आदेश पर अकोला राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधीक्षक राजेश कावले के मार्गदर्शन में उड़न दस्ते के दुयम निरीक्षक अशोक तारू, आनंद काले, गौतम खंडागले, संजय वाड़ेकर, संजय केरे, विकास सावंत ने की।
टैंकर चालक के अनुसार प्रत्येक 100 किलोमीटर पर चालक बदल जाता है, जिसके कारण यह टैंकर कहां जा रहा था इसकी जानकारी उसे नहीं है। इसके पीछे अंतर्राज्यीय टोली होने की संभावना जताई जा रही है। काल मूर्तिजापूरजवळ माननीय सुनील चव्हाण साहेब संचालक यांच्या निर्देशानुसार एक स्पिरिटचा टँकर पकडण्यात आलेला आहे। या टँकरची किंमत जवळजवळ 10,000 बर्क लिटर यामध्ये स्पिरिट असून त्याची किंमत 5 लाखापर्यंत आहे आणि टँकरची 10 असा मुद्देमाल जवळजवळ 15 लाखाचा हस्तगत करण्यात आलेला आहे। याच्यामध्ये 2 आरोपी आम्हाला मिळालेले आहे। या 2 आरोपीची पुढील चौकशी आम्ही सुरू आहे। अकोला जिले के मुंडगांव के किसान की मौत कीटनाशक के छिड़काव के कारण हो गई। इस घटना के कारण मुंडगांव में शोक की लहर दौड़ गई है। अकोला जिले में फिर एक किसान की मौत कीटनाशक के छिड़काव के कारण हो गई है। अकोला जिले के मुंडगांव निवासी 47 वर्षीय किसान अशोक दहीभाते अपनी तुअर की फसल पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था, तब उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसे तुरंत अकोट के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत अधिक बिगड़ने पर गंभीर अवस्था में किसान को अकोला के सरोपचार अस्पताल लाया गया, जहां बीच रास्ते में ही किसान की मौत हो गई। इस घटना के कारण मुंडगांव में शोक की लहर दौड़ गई है। कॉम्बिनेशन या फवारणी मध्ये वापरण्यात आलं आणि फवारणी करत असताना त्याचा बराच अंश अंगावर उडला आणि कदाचित तो शरीरावर पण पडला आणि त्या शरीरातून सोसला गेला आणि शरीरात भिनला गेला। यामुळे शरीरामध्ये पॉयझन निर्माण झाले आणि त्याला ते नंतर चक्कर आले आणि मग चक्कर आल्यानंतर उलटी पण आली। उलट्यानंतर लगेच कळलं की आता ते पॉयझनिंग झालं, म्हणून मग नंतर हॉस्पिटलमध्ये घेण्यात आलं। पण हॉस्पिटलमध्ये आल्यानंतर येपर्यंतच काय म्हणता गेलं की एक सर्टन लेवलला केस गेलेली होती आणि ती आउट ऑफ कंट्रोल असल्यामुळे मग काही ऍडमिट करण्यात आलं। नोटबंदी को 1 साल पूरा हो गया आहे। मोदी सरकार से जवाब तलब करने के लिए कांग्रेस द्वारा काला दिन मनाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र में मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी के निर्णय को 8 नवंबर को 1 साल पूरा हो गया है। नोटबंदी के इस निर्णय ने देश के उद्योग जगत की कमर तोड़कर रख दी है। देश की जनता का पैसा बैंकों में जमा हो गया है। अभी तक आरबीआई ने जितनी नोटों की संख्या घोषित की थी उतनी नोटें ही बैंकों में जमा हुई है, जिसके कारण काला पैसा कहां गया और कहां गए वे अच्छे दिन, इसकी पूछताछ करने व 8 नवंबर को काला दिवस मनाने के लिए बुधवार को कांग्रेस द्वारा मोर्चा निकालकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबन राव चौधरी के मार्गदर्शन में किए गए इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के तुगल की निर्णय के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। पिछले कई दिनों से पुलिस विभाग में तबादलों की चर्चा चल रही थी। मंगलवार की रात जिला पुलिस अधीक्षक ने कई पीआई और एपीआई के तबादले किए। अकोला जिले में पीआई व एपीआई दर्जे के अधिकारियों के तबादले की चर्चाएं चल रही थी। इन चर्चाओं को जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कलासागर ने विराम लगा दिया है। इन तबादलों में 4 पीआई व 7 एपीआई दर्जे के अधिकारियों का समावेश है। मुर्तजापुर के पीआई गजानन पड़घन का तबादला अकोला के पुराना शहर थाने में, पुराना शहर के पीआई विनोद ठाकरे का तबादला बालापुर में, कंट्रोल रूम में कार्यरत पीआई राउत का तबादला अकोटफेल थाने में किया गया है। वहीं पीआई गजानन खरड़े का तबादला चांदनी पुलिस थाने में किया गया है। एपीआई सतीश पाटिल का तबादला बारशीटाकली से पुराना शहर थाने में, अकोटफेल के एपीआई तिरुपति राणे का तबादला बारशीटाकली में, पिंजर के एपीआई सुनील सालुंगे का तबादला सिविल लाइन थाने में, पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एपीआई प्रेमानंद कात्रणी को रामदासपेट थाने भेजा गया है। पुराना शहर थाने के एपीआई नंदकिशोर नागलकर को पिंजर भेजा गया है। पातू थाने में कार्यरत एपीआई झोड़गे का तबादला एलसीबी में किया गया है। चांदनी के विवादास्पद एपीआई वैभव पाटिल को कंट्रोल रूम अटैच किया गया है। समाचार में आगे देखिए। 12 फुट लंबे अजगर से गुजरा भारी वाहन और कंप्यूटर चुराने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। वाड़ेगांव के पास भारी वाहन के गुजरने के कारण एक बड़ा अजगर गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घायल अजगर की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट है, जिस पर पशु वैद्यकीय अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।
वाड़ेगांव के समीप मार्ग पर एक बड़ा अजगर घायल अवस्था में पड़ा होने की जानकारी वन विभाग को मिली थी, जिसके आधार पर आरएफओ कातखेड़े रेस्क्यू टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए थे। बड़े अजगर के सिर से भारी वाहन का पहिया गुजरने के कारण वह बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे कृषि विद्यापीठ के पशु चिकित्सालय में भेजा गया। इस अजगर के स्वस्थ होने पर जंगल में छोड़ा जाएगा। यह अजगर 10 से 12 फुट लंबा है। रेस्क्यू टीम में आरएफओ कातखेड़े, वन रक्षक प्रकाश गीते, सर्प मित्र शेख मुन्ना, अनिल चौधरी, कोटे, माधार मारे शामिल हुए थे। आम्हाला एक फोन आला आमच्या रेंजर साहेबांना, कातखेडे सरांना। कातखेडे सरांना फोन आल्याच्या नंतर तिथे एक अजगर जखमी परिस्थितीमध्ये पडलेला आहे म्हणून त्यांनी फोन केलाय। आमच्या कातखेडे साहेबांनी मला सांगितलं, त्याच्यानंतर इथून मुन्ना भाई आणि माथार मारे, त्याच्यानंतर सुभाष काटे ही आमची रेस्क्यू टीम पूर्ण तिथे गेली। गेल्याच्या नंतर तिथून तो अजगर उचलून आणला। उचलून आणल्याच्यानंतर तो पूर्ण जखमी परिस्थितीमध्ये, त्याच्यावर काहीतरी जड वाहन त्याच्या तोंडावून गेल्यासारखं भासतोय आम्हाला। त्याच्यानंतर ते उचलून आणला इथं आणि इथून आता त्याचा विलास करून सध्या जिवंत परिस्थितीमध्ये आहे। त्याच्या दवाखान्यामध्ये नेऊन आम्ही आता त्याचा विलास करून राहिलो। विलास केल्याच्यानंतर पूर्ण बरा झाला की आम्ही त्याला आमच्या जंगलामध्ये सोडून देऊ। अजगर किती मोठा आहे सरांना? अजगर तरी 7 ते 8-10 फुटाचा आहे। बाजी टागली के महाविद्यालय से कंप्यूटर के 8 सेट चुराने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से कंप्यूटर के 3 सेट जब्त किए। इस चोरी प्रकरण का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बाजी टागली की गुलाम नबी आजाद कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय से 24 जुलाई 2017 को 1,88,000 रूपये मूल्य के कम्प्यूटर चोरी हो गए थे। इस चोरी प्रकरण में पुलिस ने 25 वर्षीय संदीप रमेश खंडागले को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कंप्यूटर चोरी को अंजाम देने वाला संदीप खंडागले बाजी टाकली के बायपास चौक पर दिखाई दिया है। उसके बाद प्रशिक्षु पुलिस उप अधीक्षक राहुल धस, थानेदार सतीश पाटिल के मार्गदर्शन में पीएसआई संजय सोनो ने, पुलिसकर्मी सूर्यकांत डोईफोड़े, संतोष वाघमारे ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा। आरोपी ने वरखेड़ कैनाल शिवार में 3 कंप्यूटर छिपाकर रखे थे, जिसे जब्त किया गया। इस चोरी प्रकरण में मुख्य आरोपी 25 वर्षीय सागर जीवन राउत अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई की जानकारी बाजी टाकली के थानेदार सतीश पाटिल ने आरआरसी न्यूज से बोलते हुए दी। पुलिस स्टेशन बाजी टाकली इथे गुलाम नबी आजाद महाविद्यालयाच्या एका रूम मध्ये डेल कंपनीचे कंप्यूटर ठेवलेले होते। त्यातले 8 कंप्यूटर अज्ञात चोरांनी चोरून नेले अशी आपल्याकडे एक फाईल दाखल होती। त्या संदर्भाने तपास चालू होता। गुप्त माहितीदाराद्वारे माहिती मिळाली की गावामध्ये 3 कंप्यूटर एका जणाच्या घरी ठेवलेले आहेत। त्या माहितीच्या आधारे घराची झडती घेतली असता 3 डेल कंपनीचे कंप्यूटर त्याच्या घरी मिळून आले। सदर आरोपीने आमच्याकडे कबुली दिलेली आहे की त्याने ते कंप्यूटर एका त्याच्या साथीदाराच्या मदतीने चोरलेले आहे। सदर साथीदार हा त्याचा फरार आहे। 5 कंप्यूटर त्याच्याकडे आहेत। 3 कंप्यूटरची आज रोजी रिकव्हरी करण्यात आलेली आहे। आरोपीला अटक केलेली आहे। अकोला से गायगांव की ओर जाने वाले मार्ग पर डाबकी रेलगेट के पास रोजाना वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ गई है। अकोला से गायगांव की ओर जाने वाले मार्ग पर डाबकी रेलगेट पर उड़ान पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस रेल मार्ग पर 15-15 मिनट में सवारी रेलगाड़ियों के साथ मालगाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है, जिसके कारण अक्सर रेलगेट बंद ही रहता है। फलस्वरूप दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसकी वजह से इस मार्ग का यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध होता जाता है। गायगांव से डीजल पेट्रोल के डेपो से आने वाले टैंकरों के कारण यहां दुर्घटना की संभावना बनी ही रहती है। रेलगेट के बंद होते ही दोनों ओर से वाहनों का जमावड़ा लगता है। कई बार वाहन धारकों के बीच वाद विवाद और गाली गलौज की नौबत तक आ जाती है। कुछ दिनों पहले दुर्घटना के कारण यहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। जब तक यहां उड़ान पुल का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक यहां पुलिस और शहर यातायात नियंत्रण शाखा कर्मी की ड्यूटी लगाए जाने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। अकोला के जिला महिला अस्पताल परिसर में पानी की कृत्रिम किल्लत निर्माण कर पानी से पैसा कमाने का काम चल रहा है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों से आने वाली महिला रोगी व उनके परिजनों की लूट हो रही है। अकोला के जिला महिला अस्पताल में रोजाना शहर समेत ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों की संख्या में महिला रोगी व उनके परिजन आते हैं। यहां पानी की उपलब्धता में रुकावटें पैदा कर पानी से कमाई करने का गोरख धंधा चलाया जा रहा है।
जिला महिला अस्पताल के रोगियों को आसानी से पानी उपलब्ध हो इसके लिए यहां हैंडपंप लगाया गया था, जिसका हैंडल ही गायब कर दिया गया है। यहां धार्मिक संस्था द्वारा पानी की मशीन भी लगाई गई थी, जिसे खराब कर दिया गया है। जिला महिला अस्पताल परिसर में कृत्रिम जल संकट पैदा कर पानी से पैसा कमाने का फंडा शुरू किया गया है। ग्रामीण इलाकों से आने वाले महिला रोगियों के परिजनों को या तो पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ रहा है या फिर पैसा खर्च कर पानी खरीदना पड़ रहा है। यहां की होटल पान टपरी के अलावा कुछ लोग पानी की कैन लाकर 5 रूपये प्रति बोतल के हिसाब से पानी का व्यवसाय कर रहे हैं। जिला महिला अस्पताल के वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारियों को इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए महिला रोगी व उनके परिजनों को पानी पर्याप्त प्रमाण में उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। गरम पानी करा तो पैसे दे रखता, ठंड पानी पियाले भी 5 रूपये सूची देता दिखा। समाचार में आगे देखिए, बाबुलगांव की दुर्घटना के लिए खस्ताहाल ट्रक जिम्मेदार और बालापुर की तीनों नदियों में नाम मात्र के लिए पानी। अकुला के समीप स्थित बाबुलगांव के पास राख से भरा ट्रक पलट गया था। इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई थी तथा 5 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की हालत खस्ताहाल थी। ट्रक के टायर पूरी तरह से घिस गए थे, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई है। मंगलवार की सुबह 8 बजे के दौरान बाबुलगांव के पास हुई भीषण दुर्घटना में एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस भीषण दुर्घटना में कई सवाल पैदा कर दिए हैं। जो ट्रक पारस से ईंट बनाने के लिए राख लेकर आ रहा था, उस ट्रक की हालत इतनी अधिक खस्ता थी कि यह समझ ही नहीं आ रहा था कि यह ट्रक सड़क पर दौड़ कैसे रहा है। पारस औष्णिक केंद्र से सफेद राख अवैध रूप से लेने के लिए रोजाना ट्रकों का जमावड़ा पारस में लगा रहता है। अधिकांश ट्रकों की हालत अत्यंत ही खस्ता है। इन ट्रकों के टायर पूरी तरह से घिस चुके हैं, ट्रक की बॉडी जर्जर हो चुकी है। ऐसे ट्रक कालबाह्य होने के बाद भी महामार्ग तथा अन्य सड़कों पर काल के स्वरूप में दौड़ रहे हैं। पारस औष्णिक केंद्र से निकलने वाली सफेद राख का इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है। इस राख को लेने के लिए ऐसे ही ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनकी अवस्था दयनीय हो गई है। उप प्रादेशिक परिवहन विभाग और यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा ऐसे जर्जर वाहनों को जब्त न किया तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं होना लगभग तय है। विशेषकर घिस चुके टायर, जर्जर एक्सल, ब्रेक के खस्ताहाल होने के कारण ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। बालापुर की मन, मस और महेश नदी में नाम मात्र के लिए पानी शेष रह गया है। इस नदियों का पानी पारस औष्णिक केंद्र द्वारा धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण यहां पानी की भीषण समस्या पैदा हो गई है। इस साल कम बारिश के कारण जहां जिले के बांधों में अत्यंत अल्प जल संग्रह हुआ है, वहीं नदी नालों में भी नाम मात्र के लिए पानी है, जिसके कारण पीने के पानी की समस्या निर्माण हो रही है। खासकर मवेशी कहां से पानी ले, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। बालापुर शहर की मन, मस और महेश नदी में नाम मात्र के लिए पानी शेष रह गया है। इन तीनों नदियों का पानी आरक्षित करने के लिए जिलाधिकारी ने सप्ताह भर पहले पारस औष्णिक विद्युत केंद्र के मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे को आदेश दिए थे कि पारस औष्णिक केंद्र के 2 में से 1 यूनिट को बंद किया जाए। बावजूद इसके पारस औष्णिक विद्युत केंद्र द्वारा इन नदियों के पानी का बड़े प्रमाण में इस्तेमाल किया जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर महेश, मन और मस नदियों के पानी को समाप्त किया जा रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में बालापुर समेत कई गांवों के नागरिकों को पानी के भीषण संकट का सामना करना पड़ेगा, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। बालापुर तालुक्यातील मन, महेश आणि निर्गुणा या तिन्ही नद्यांचे पाणी पूर्णतः संपले आहे। या वर्षी पावसाळ्यामध्ये एकही नदीला पूर्ण आल्यामुळे आज रोजी नदीची अशी परिस्थिती झाली आहे की एकीकडे जनावरांना पिण्यासाठी पाणी नाही आहे आणि दुसरीकडे नोव्हेंबर महिन्यामध्ये पाण्याची सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात पिण्यासाठी सुद्धा टंचाई भासत आहे। अशी परिस्थिती असताना माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांनी पारस वीज प्रकल्प यांना एक संच बंद करा व फक्त पिण्यासाठी पाणी ठेवा असे लेखी पत्र देऊन तरीसुद्धा आज रोजी दोन्ही संच चालू आहे आणि या परिसरामध्ये नद्या आटल्यामुळे भविष्यामध्ये पाण्याची खूप टंचाई
भाषेल व त्यासाठी उपाययोजना करणे हे गरजेचे समजून जिल्हा अधिकाऱ्यांनी जे साहेबांनी जे पत्र दिलं त्याची अंमलबजावणी होईल काय याकडे संपूर्ण बाळापूरवासियांचे लक्ष लागले आहे. आरआरसी न्यूज गणेश सुरदेशी बाळापूर. अस्त-व्यस्त वाहनों पर कार्रवाई के उद्देश्य से शुरू किया गया टोइंग पथक अपने उद्देश्य से पूरी तरह से भटक गया है. केवल रेल स्मारक परिसर में ही कार्रवाई करना इस पथक ने शुरू किया है. अकोला शहर के प्रमुख मार्गों पर अस्त-व्यस्त तरीके से खड़े किए जाने वाले वाहन धारकों को सबक सिखाने के उद्देश्य से टोइंग दस्ता शुरू किया गया है, परन्तु यह टोइंग दस्ता अपने उद्देश्य से पूरी तरह से भटक गया है. अब यह टोइंग दस्ता केवल राजस्व बढ़ाकर अपना टारगेट पूरा करने में लगा है. अकोला शहर के प्रमुख मार्गों पर अपने वाहन खड़े कर यातायात को प्रभावित करने वाले वाहनों को जब्त करने की बजाय यह टोइंग दस्ता केवल शहर यातायात नियंत्रण शाखा कार्यालय से लेकर रेल स्थानक तक ही चक्कर लगा रहा है. अकोला रेल स्थानक पर रोजाना हजारों की संख्या में वाहन आते हैं. टोइंग दस्ता यहां आकर तो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को उठाकर अपनी खानापूर्ति कर रहा है. हालांकि जीआरपी के दो जवानों की ड्यूटी यहां लगाई गई है, परंतु वे वाहन धारकों को कुछ नहीं कहते हैं और टोइंग दस्ते का इंतजार करते रहते हैं. क्या टोइंग दस्ता का रेल स्थानक तक ही कार्यक्षेत्र है? इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है. कान्हेरी परिसर में श्वानों ने नीलगाय के बछड़े को बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिस पर पशु वैद्यकीय अस्पताल में उपचार किया गया. इसके स्वस्थ होने के बाद नीलगाय के झुंड में छोड़ा जाएगा. श्वानों के हमले में बुरी तरह से घायल नीलगाय के बछड़े को सुरक्षित रूप से बचाया गया. अकोला के समीप कान्हेरी परिसर में हिरण नीलगाय जैसे वन्य प्राणी चारे और पानी की तलाश में आते हैं. नीलगाय के झुंड से बिछड़कर एक बछड़ा कान्हेरी के समीप आ गया था, जिस पर आवारा श्वानों ने हमला कर दिया था, जिसमें नीलगाय का बछड़ा घायल हो गया था. सर्प मित्र प्रशांत गावंडे, मानद वन्य जीव रक्षक बाल काली ने घायल बछड़े को आवारा श्वानों से बचाया और कृषि विद्यापीठ के पशु वैद्यकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उस पर उपचार करने के बाद वन विभाग को सौंप दिया गया. नीलगाय के बछड़े के स्वस्थ होने पर उसे सुरक्षित रूप से नीलगाय के झुंड में छोड़ा जाएगा. अब देखते हैं आज का सुविचार, हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. जलयुक्त शिवार के कामों का मुआयना किया जल संधारण मंत्री ने. दस हजार बल्क लीटर स्पिरिट से भरा टैंकर जब्त, दो गिरफ्तार. कीटनाशक के छिड़काव से विष बाधा, मुंडगांव के किसान की मौत. नोटबंदी को एक साल पूरा, कांग्रेस ने मनाया काला दिन. और पीआई व एपीआई के हुए तबादले. फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.
क्यों, कब, कैसे? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर एक के मन में सवाल है, क्यों, कब, कैसे? परेशानी है तो क्यों है, इससे छुटकारा मिलेगा कब और कैसे? अनजान भविष्य को जानिए हमारे साथ ज्योतिष के माध्यम से। तो देर किस लिए, उठाइए फोन और सीधे पूछिए अपने सवाल पंडित सुदर्शन शर्मा से। कब, क्यों, कैसे?